डीआरपी के अंदर डेटा इंटेग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ये तो आपने सुना होगा गार्बेज इन गार्बेज आउट दैट इज बेसिकली DRP सिस्टम के अंदर भी यही चीज फिट बैठती है अगर आप गलत डेटा uh, एंटर करेंगे तो उसके गलत रिकॉर्ड uh, निकलेगा गलत प्लानिंग होगी सिस्टम के अंदर uh, आपको uh, कंप्लीट और ठीक डेटा एंटर करना लाजमी है अब इशू यह आता है कि जो फोरकास्ट है दैट इज इम्पोर्टेंट कि फोरकास्ट जिसके बेस पर शिपमेंट की प्लानिंग होगी एंड द इन्वेंट्री लेवल ये दो की हमारे डेटा इनपुट्स हैं जो कि हमारे पास होने चाहिए टू तो डेवलप दिस डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग का रिक्वायरमेंट की प्लान जो हम डेवलप करते हैं आ, जो फोरकास्ट है फॉर एग्जांपल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी वो फोरकास्ट किस तरह करती है आ, इंसुलिन के जो इंजेक्शन वगैरह है डायबिटीज के लिए यूज होते हैं उसका वो क्या करते हैं पहले पूरी कंट्री का फोरकास्ट करते हैं कि पूरी कंट्री में इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी है अब एग्रीगेट टर्म के अंदर it, बिकम्स इजियर और एक्यूरेटली फोरकास्ट हो सकती है कि जी क्या रिक्वायरमेंट है मरीज कितने बढ़ रहे हैं वो सारा डाटा अवेलेबल होता है तो कंट्री वाइड उसकी रिक्वायरमेंट मिल जाती है लेट सपोज वन मिलियन लीटर्स ऑफ इंसुलिन यूज हो रहा है ओके नाउ व्हाट दैट कंपनी डज इज कि जी उस कंपनी का शेयर मार्केट का कितना है लेट सपोज उसका शेयर इज ट्वेंटी ऑफ द मार्केट प्रीवियस uh, ईयर के बेसिस के ऊपर वो आसानी से इसको एवेल्युएट कर सकते हैं सो so बेसिकली वो डिटरमिन करते हैं कि जी ओके okay, जो इंसुलिन uh, है वो तकरीबन 250,000 लीटर्स के लीटर हमारी डिमांड होगी एंड दिस इज एट एन एग्रीगेट लेवल देन दे डिसग्रीगेटेड इन टू डिफरेंट पैकेज साइजेस कितने सीसी के पैकेज बनाने हैं एसके यूज के लेवल के ऊपर लेकर जाते हैं और फिर उसको फर्दर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन लोकेशन अब ये जब चीज आती है तो इसके अंदर फिर एरर बढ़ जाता है इसको हम इसी तरह देखते हैं कि जब एग्रीगेट टर्म के अंदर हम फोरकास्ट करें फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसके अंदर हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम फर्स्ट इनिंग के अंदर क्या स्कोर करेगी नाउ इट इज रादर इजी uh, uh, के एक्ूरेटली हम कुछ फोरकास्ट कर सकें uh, जरूरी नहीं है कि हम एग्जैक्टली exactly बता दें लेकिन फिर भी फ्रॉम पास्ट uh, उनका परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि लड़से थ्री हंड्रेड रन का स्कोर करेंगे लेकिन जब हम इसको डिसग्रीगेट करें कि ओपनर कितना करेगा और वन डाउन कितना करेगा एंड टू डाउन एंड सो ऑन सो फोर्थ धैन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एक्टली फोरकास्ट करना इसी तरह यहां भी है इसीलिए कंपनीज पहले एग्रीगेट फोरकास्ट करती हैं फिर उसको डिसएग्रीगेट करती है इन टू लोकेशन के बेसिस के ऊपर जब यह करते हैं तो इसके अंदर एरर uh, आते ही आता है लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज के जो एरर है वो बाइस्ड एरर ना हो जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल की थी फोरकास्ट रेंजेस बिटवीन सिक्सटीन एंड ट्वेंटी और हमने देखा था कि वो रेंज uh, उसी में कर रही थी कभी टू प्लस हो जाते थे कभी फोर माइनस हो जाती थी एंड सो ऑन सो फोर्थ तो बेसिकली ये था कि क्यूमुलेटिव जो एरर है वो बैलेंस आउट होता जा रहा था और नेगेटिव uh, पॉजिटिव को कैंसिल आउट कर रहा था दैट इज इंपॉर्टेंट अगर वो बाइस हो गया तो फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी से ज्यादा ही ऑर्डर आ रहे होते डिमांड होना क्या था स्टॉक आउट होना शुरू हो जाता सेफ्टी स्टॉक खत्म हो जाता एंड अगेन uh, जो प्लानर है उसको रिवाइज uh, करनी पड़ती फोरकास्ट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है uh, होता ये है कि इसको जब वो डिसग्रीगेट कर देते हैं और लोकेशन के ऊपर ले जाते हैं तो फिर अप्रूवल दे देते हैं फॉर पीपल फील्ड पीपल टू एडजस्ट फोरकास्ट बट उसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैनेजमेंट को अनलिमिटेड फील्ड पीपल को अनलिमिटेड ऑथोराइजेशन uh, नहीं देनी चाहिए उसके अंदर ये वो कर सकते हैं कि जी 15 प्लस माइनस 15 परसेंट एडजस्ट कर सकते हैं प्लस माइनस 20 परसेंट कोई लिमिट लगाएं सो so दैट वो जो बायसनेस है उसको अवॉइड करने का आसान uh, हो क्योंकि फील्ड पीपल को देंगे तो फिर उसके अंदर हो सकता है किसी वजह से बाइसनेस क्रिएट हो जाए सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है इट शुड अ मॉनिटरिंग सिस्टम मॉनिटर किस चीज को करना एक फोरकास्ट को कि फोरकास्ट जो की हुई है वो ठीक जा रही है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है इन्वेंट्री लेवल ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री लेवल किस तरह फ्लक्चुएट कर रहा है उसका पैटर्न क्या है सो so दैट अगर जरूरत पड़े तो इसके अंदर एडजस्टमेंट ला सकें बेसिकली uh, अगर एक चीज हम डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं रूटीन के साथ कर रहे हैं तो उसके अंदर फिर जो इन्वेंट्री uh, की एक्यूरेसी है वो ट्रांजेक्शन वगैरह को प्रोसेस करने के ऊपर uh, आती है लेकिन क्योंकि वो डिसिप्लिन के साथ हो रहा है तो इशू नहीं आएगा हाँ अगर आप उसके अंदर एडवाकेजम ले आएंगे विदाउट एनी डिसिप्लिन अनलिमिटेड दे दिया ऑथोराइजेशन फील्ड पीपल को तो उसके अंदर चांसेस आर के जो बायसनेस है फोरकास्ट के अंदर वो बढ़ जाए तो इस चीज का ख्याल रखना है कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए और एक सिस्टम के साथ चीजों को लेकर आगे चलना चाहिए